गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 तक रिवीजन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए। अब आए स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में, हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। चलो, इसकी थियरी तो आप लोगों को आती है, कभी स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी सीखे हो, स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी इसकी थियरी सीखे हो। तो हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। चलो हेडिंग डालो कभी गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर द सम ऑफ, देखो ये जो आप लिख रहे हो ट्रू फॉल्स, ये एक मार्क की ब्लैंक में भी आ सकते है, एक मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकते है। यानी कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वन। द सम ऑफ के बाद इधर प्रोबेबिलिटी वर्ड ऐड कर देना, तो भाई द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ वन। यानी कि स्टूडेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी सारी इवेंट हो वो सभी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और वो सभी प्रोबेबिलिटी का प्लस करो, वो ऑलवेज कितना होता है, वन होता है। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि ये ब्लैंक में भी आ सकता है, बराबर है, यहां पर वन के बदले में क्या होगी भाई, ब्लैंक हो सकती है। स्टूडेंट इतना याद रखो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किसके बिटवीन में होती है, जीरो एंड वन के बिटवीन में। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से सुन लो, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी किसके बिटवीन में होती है भाई, जीरो एंड वन। यानी कि जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है। सेकंड नंबर वन हो सकती है, वन से क्या हो सकती है भाई, स्मॉलर हो सकती है। यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो और वन के बिटवीन में होगी, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव हो सकते नहीं है, माइनस में कभी भी आंसर आ सकता नहीं है, जीरो से छोटा भी आंसर कभी भी हो सकता नहीं है, वन से बड़ा आंसर कभी भी हो सकता नहीं है। फिर श्योर इवेंट यानी कि चौकस घटना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, वन, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है भाई, जीरो। इतना याद रखना है। चलो सेकंड नंबर लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड नंबर लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइज इन द ईस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइज इन द ईस्ट इज जीरो। अब ये दो स्टेटमेंट है, टोटल चार स्टेटमेंट है। देखो सन ऑलवेज किधर राइज होता है, ईस्ट में, वो श्योर इवेंट है। कौन सी इवेंट है भाई, श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी।
सन सेट कहां पर होता है भाई, वेस्ट के अंदर, यानी कि उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, वन। बट ऐसे बोले तो भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइज इन द वेस्ट इज ब्लैंक, तो कितना आएगा भाई, जीरो। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेट इन द ईस्ट, उसकी भी आंसर कितनी आएगी भाई, जीरो। यानी कि यहां पर हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइज इन द ईस्ट, ये तो श्योर इवेंट है, इसका आंसर वन आएगा। बट क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है भाई, जीरो। यानी कि सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर है। चलो थर्ड नंबर लिखो, फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट ए, फॉर एनी इवेंट ए जीरो लेस देन पी ए लेस देन वन, ये मोस्ट आई एम पी स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको सिखाया कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी, सेकंड नंबर वन या वन से स्मॉलर। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि भाई जीरो लेस देन पी ए लेस देन वन, ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए भाई, जीरो लेस देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, वन। ये भी ऐड कर दोगे कि भाई फोर नंबर में नया इक्वेशन ऐड कर देगी भाई, फॉर एनी इवेंट ए जीरो लेस देन इक्वल टू पी ए लेस देन इक्वल टू वन। यानी कि देखो जीरो लेस देन इक्वल टू, यानी कि जीरो भी होती है जीरो से बड़ी होती है, वन होती है या वन से कैसी होती है, स्मॉलर। बट यहां पर तो क्या है भाई, जीरो से बड़ी और वन से स्मॉलर, यानी कि यहां पर दोनों जगह के ऊपर कौन सी साइन आनी चाहिए भाई, इक्वल टू की साइन आनी चाहिए। तो ट्रू, बाकी सब में कैसा होगा भाई, फॉल्स। सपोज देखो यहां पर अकेला इधर ऐसा हो तो भी फॉल्स, सपोज इसके बदले में यहां पर अकेला ऐसा हो तो भी क्या बनेगा भाई, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो, फोर नंबर, द प्रोबेबिलिटी, फोर नंबर लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर सेवन ऑन बैलेंस्ड डाइस इज जीरो। चलो सोचो, डाइस के ऊपर नंबर कौन से होते हैं भाई, एक डाइस हो जिसको बोलते हैं सांप सीढ़ी का पासा, या तो आपके लूडो गेम का पासा डाइस, उसके ऊपर जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन उसमें कभी भी होता नहीं है, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, जीरो। मीन स्टेटमेंट आपका कौन सा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। चलो फिफ्थ नंबर लिखो, द वैल्यू ऑफ, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट जीरो। यानी कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो हो सकते नहीं है। यानी कि स्टूडेंट देखो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, वन हो सकती है, वन से स्मॉलर हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, जीरो। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिक्स नंबर, द प्रोबेबिलिटी
टू ऑप्टेन 101 marks in a 100 marks paper is one. सोचो क्या 100 मार्क के पेपर में 101 मार्क कभी आ सकते है भाई? नहीं आ सकते है. यानी कि ये जो इवेंट है वो कौन सी इवेंट है भाई? इम्पॉसिबल. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? जीरो. यानी कि हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट. ये सारे मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रहने चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन. चलो अब आप खुद आंसर लिखोगे. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? वन होती है. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? जीरो. अरे के लिख डालो. स्टेटमेंट हमारा कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है 7 नंबर. चलो 8 नंबर लिखो. इन अ लीप ईयर देर आर 29 days इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी. सोचो फेब्रुआरी लीप ईयर यानी कि उसमें फेब्रुआरी मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं भाई? 29 days. यानी कि जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है. चलो 9 नंबर. ये बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, बराबर है? लिखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन हु बॉर्न is zero. तो भाई जो बॉर्न होता है वो मरता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है. स्टूडेंट हमें पता है कि भाई कोई भी पर्सन बॉर्न होता है वो ऑलवेज डाई होता है, बराबर है? यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? वन, क्योंकि वो श्योर इवेंट है. कौन सी इवेंट है भाई? श्योर इवेंट. कभी मैं बॉर्न हुआ तो मैं मरने वाला हूं इन फ्यूचर के अंदर, ये श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी वन है. बट हमारा स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है भाई? प्रोबेबिलिटी जीरो है. यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है. चलो 10 नंबर लिखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो. चलो सोचो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? जीरो ही होती है, बराबर है? यानी कि स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है. चलो स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स हुए हमारे, कर सकते हो आप लोग ट्रू फॉल्स ऐसे सोचकर. चलो स्टूडेंट हेडिंग डालो फिल इन द ब्लैंक्स. लिखो ब्लैंक लिखो, यानी कि नंबर दे दो 11 नंबर. लिखो इफ टू डाइस आर थ्रोन वंस देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ब्लैंक.
चलो दो डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे? कल आप लोगों ने सम किया था, परसों एक सम किया था, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 36 आउटकम्स, यानी कि ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 36। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर, आईएमपी करना उसको, बराबर है? चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि इवेंट ई और नॉट इवेंट ई, यानी कि ये जो है इसकी क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी कि ऐसे बनेगा। देखो इसका मतलब पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू ब्लैंक, कल मैंने आपको सिखाया था, इसका आंसर क्या बनेगा भाई? वन बनेगा। क्या बनेगा भाई? कोई भी इवेंट और नॉट एन इवेंट, यानी कि ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी कि कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का प्लस कितना होता है? वन। ये भी लिखोगे और नीचे ये वाला भी लिखोगे, यानी कि याद रहेगा पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू ब्लैंक, आंसर आएगा कितना स्टूडेंट? वन। चलो नेक्स्ट नंबर दे दो, 13 नंबर में आए, लिखो द प्रोबेबिलिटी, ये आने चाहिए आपके टेक्स्ट बुक के 15.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ब्लैंके, बराबर है? लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज नॉट हैपन, ऑफ द इवेंट विच इज नॉट हैपन इज ब्लैंक, फुल स्टॉप। फिर उसमें लिखो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। चलो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक, दो दो ब्लैंक है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। तो इवेंट जो हैपन नहीं होती, प्रोड्यूस ही नहीं होती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा भाई? जीरो। और सेकंड ब्लैंक के अंदर क्या आएगा भाई? कि भाई दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक, ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं भाई? इम्पॉसिबल इवेंट, अशक्य घटना, क्या बोलते हैं भाई उसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 14 नंबर में आए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ब्लैंक, ऐसे मत लिखो वरना ऐसे लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलेगा? चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ब्लैंक, फुल स्टॉप। दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। चलो तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन, यानी कि फर्स्ट ब्लैंक में आंसर क्या आएगा भाई? वन। सेकंड ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा? दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड, दो दो आंसर लिख सकते हैं उसको, श्योर इवेंट भी बोलते हैं या तो सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, बराबर है? श्योर इवेंट भी बोलते हैं या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सर्टेन इवेंट। चलो
ये जो भी ब्लैंक है आप कर रहे हो, सारी मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है, हर एक का आंसर अब आपको ओरली आना चाहिए, दिमाग में फिट करके रखना है, बराबर है। लिखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ब्लैंक। अभी ऊपर आया था ट्रू फॉल्स के अंदर, कभी कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितनी भी सारे इवेंट हो सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, सभी का प्लस करो, आंसर कितना आता है स्टूडेंट? वन। यानी कि आपके ब्लैंक का आंसर क्या बनेगा भाई? वन। चलो नेक्स्ट 16 नंबर लिखो। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बिगर एंड इक्वल देन ब्लैंक, बिगर एंड इक्वल देन ब्लैंक, फुल स्टॉप। Smaller and equal than blank। देखो इसका आंसर कैसे आएगा, ये मैंने आपको सिखाया, दिखता है बोर्ड के ऊपर, 0 less than equal to PA less than equal to 1। इसका मतलब होता है कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से बड़े या तो 0 के इक्वल में होती है। यानी कि आपके फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या आएगा भाई? 0। और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर आंसर लिखो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल या 1 से कैसी होती है भाई? स्मॉलर। यानी कि फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आंसर आएगा 0, सेकंड ब्लैंक के अंदर आंसर आएगा 1। चलो अब जो ब्लैंके आ रही है 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, इनका आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बराबर है। ये थियरी है, लिखो फ्रेंच नेचुरलिस्ट क्रॉम्प डी बफन लिखता हूं इधर, फ्रेंच नेचुरलिस्ट क्रॉम्प डी बफन, ये मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच के एक नेचुरलिस्ट थे, बराबर है। यानी कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट क्रॉम्प डी बफन टॉस्ड TOSED अ कॉइन ब्लैंक टाइम, उन्होंने कॉइन को टॉस्ड किया था, ब्लैंक का आंसर लिखवाता हूं जो दिमाग में फिट कर देना है, टॉस्ड अ कॉइन ब्लैंक टाइम and obtain a head blank time। तो स्टूडेंट जो क्रॉम्प डी बफन थे उन्होंने कॉइन को 4040 टाइम, देखो मस्त आंसर है 4040। तो भाई 4040 टाइम उन्होंने कॉइन को क्या किया था भाई? टॉस्ड किया था, और उसके अंदर उनको हेड कितनी टाइम मिला था भाई? 2040
4048 टाइम। और देखो हेड 2048 टाइम मिला तो एक नई भी ब्लैंक को ऐड कर सकते हैं। टेल कितनी बार मिली होगी उसको कांटों के बाद, टेल कितनी बार मिली होगी, तो 4040 में से 2048 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो तो भाई 4040 2048, चलो यहां पर 3 10 10 में से एड गया तो 2, यहां पर 3 9 13 13 में से 4 गया तो 9 9 1, यानी कि टेल कितनी टाइम मिली होगी, 1992 टाइम। बराबर है, चलो भाई आगे बढ़े। ये आंसर दिमाग में फिट कर देना है, एग्जाम में जाओ उससे पहले इसको देखकर जाना है। चलो नेक्स्ट 18 नंबर लिखो, चलो नेक्स्ट नंबर लिखो, स्टैटिस्टिशियन स्पेलिंग लिखता हूं, भाई स्टेटिस्टिक के मास्टर थे इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई, स्टेटिस्टिशियन। देखो STATISTION स्टेटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन, स्टेटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन टॉस्ड अ कॉइन ब्लैंक टाइम एंड ऑप्टिंग हेड ब्लैंक टाइम। भाई कार्ल पियर्सन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कॉइन को क्या किया था भाई, टॉस्ड किया था। तो कार्ल पियर्सन ने कॉइन को 24,000 टाइम क्या किया था स्टूडेंट, टॉस्ड किया था और उनको 12,000 टाइम क्या मिले थे भाई, हेड मिले थे। यानी कि दोनों आंसर रखो, याद रखोगे कार्ल पियर्सन ने कॉइन को कितनी बार टॉस्ड किया था, 24,000, और उसमें से उनको हेड कितने मिले थे, 12,000 हेड मिले थे। कितने हेड मिले थे भाई, 12,000 हेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो JE कैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है JE कैरिज ऑफ ब्रिटेन ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी ब्लैंक इन द गेम ऑफ टॉसिंग कॉइन। कभी जेई कैरिज ब्रिटेन के थे और उन्होंने कॉइन को क्या किया था भाई, टॉस्ड किया था और उनको जेई कैरिज को
0.5067 क्या मिली थी भाई? प्रोबेबिलिटी मिली थी। याद रखोगे, तीन आंसर याद रखने का भाई। फर्स्ट नंबर कौन सा था? क्रॉम्प डी बफन, कितने टाइम कॉइन को टॉस्ड किया था? 4040। और उसके अंदर हेड कितने मिले थे? 2048। कार्ल पियर्सन 24,000, हेड कितने मिले? 12012। और ये लास्ट आए हमारे जेई कैरिज, तो उनको प्रोबेबिलिटी कितनी मिली थी? 0.5067। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझ के आंसर लिखना। लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो क्वेश्चन लिखवाता हूं, लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ, दो बार वर्ड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ब्लैंक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दो बार वर्ड है स्टूडेंट, अच्छे से समझना। क्या भाई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ब्लैंक। कैसे करेंगे? देखो, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई? जीरो। अब जरा समझो कि भाई पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू कितना होता है? वन। इसको खास याद रखना है, बराबर है, ये इवेंट और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब जरा देखो इम्पॉसिबल इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो प्लस पी ए बार इज इक्वल टू वन, देयरफॉर पी ए बार इज इक्वल टू कितना होगा भाई? वन। अब इसकी भी फिर से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लेने की, डबल बार कॉम्प्लीमेंट्री, तो पी ए बार वन है, उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो क्या ले सकते हैं भाई? पी ए बार प्लस पी ए डबल बार इज इक्वल टू वन, ये वन है, प्लस पी ए बार पी ए डबल बार इज इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन, तो पी ए डबल बार इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। यानी कि याद रखो कि देखो इम्पॉसिबल इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डबल बार कॉम्प्लीमेंट्री। देखो इम्पॉसिबल मीन्स जीरो, जीरो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वन में से उसको माइनस कर दो, वन माइनस जीरो मीन्स क्या आया भाई? वन। फिर से उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री, वन में से माइनस करो, आंसर आएगा कितना भाई आपका? जीरो आंसर आएगा। क्लियर? दूसरा एक और लिखो मुफ्त में, नेक्स्ट नंबर लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ब्लैंक, अशक्य घटना। लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ब्लैंक। समझ लो स्टूडेंट, यहां पर डबल बार कॉम्प्लीमेंट्री था। अब जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है उसमें एक ही बार है, यानी कि देखो इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी जीरो, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, तो वन में से माइनस करो, आंसर आएगा कितना भाई आपका? वन आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव संडे इन अ मंथ ऑफ जनवरी, इन अ मंथ ऑफ जनवरी इन एनी ईयर,
इन एनी ईयर इज ब्लैंक। मैंने आपको सिखाया है, चलो जनवरी, जनवरी के डेज कितने होते हैं 31, और उसको ऑलवेज किससे डिवाइड करना है, 7 से ही डिवाइड करना है। 7 4 जा कितना आया भाई 28, रिमाइंडर बचा कितना भाई 3। कोई भी मंथ हो, जनवरी फेब्रुआरी मार्च, उसके टोटल डेज और टोटल डेज को 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कंपलसरी 7, यानी कि आंसर हमारा क्या बना भाई 3/7। आया समझ में कि नहीं आया? फेब्रुआरी हो तो 28 या तो 29, मार्च हो तो 31, अप्रैल हो तो 30, मई हो तो 31, जून हो तो 30। डेज को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में कंपलसरी 7 लिखो, वो आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 22nd नंबर। चलो इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, इन द वर्ल्ड इंग्लिश में लिखना, 21 सेकंड में लिखवाता हूं क्वेश्चन। इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, कैपिटल में लिखेंगे, इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स 1 letter इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 letter इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से 1 letter रैंडमली सिलेक्ट करते, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन पूरा क्वेश्चन लिखा भाई, इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स 1 letter इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड लेटर इज वोवेल, VOVEL इज ब्लैंक। चलो तो टोटल पहले इसमें से वोवेल बार निकाल दे, वोवेल मीन्स कौन से, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है बराबर है, इसमें से तो मैथमेटिक्स में वोवेल कौन से, ए फिर कौन सा ई, फिर कौन सा ए, फिर कौन सा आई, यानी कि कितने बने 1 2 3 4 बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने आपके 4, और एक टोटल लेटर काउंट कर लो कितने है भाई मैथमेटिक्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, लिख डालो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या आंसर बनेगा भाई 4/11 बनेगा ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ, फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ, सफर्ड यानी कि चिपेला, वो पत्ते बोलते हैं ना कार्ड, फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम then the probability of selected card is black color face card
फेस कार्ड इज ब्लैंक, ब्लैक कलर फेस कार्ड इज ब्लैंक। अब जरा देखो, फेस कार्ड का मतलब होता है पिक्चर कार्ड। टोटल पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? 12। कौन से? क्या भाई रेड के कितने भाई? 3। प्लस ब्लैक के कितने भाई? 3। प्लस स्पेड के कितने भाई? 3। और प्लस डायमंड के कितने भाई? 3। मैंने आपको आगे प्रोबेबिलिटी में सिखाया, अकेला ब्लैक आए, ओनली ब्लैक हो तो ब्लैक के कार्ड लेने, बट ब्लैक कलर बोले, कौन सा बोले भाई? ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में ये ब्लैक के पत्ते भी ब्लैक होते हैं, और स्पेड, स्पेड को बोलते हैं फल्लाई। क्या बोलते हैं भाई? ऐसे होते हैं ना फुलेवर के, जैसे फ्लावर की सब्जी होती है ऐसे टाइप के, वो भी ब्लैक कलर के होते। कौन से कलर के होते? ब्लैक। यानी कि दोनों प्लस करने पड़ेंगे, 3 + 3 कितने हो गए भाई? 6 कार्ड। यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए भाई? 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? लिखो ब्लैक कलर कार्ड, लिखो पहले, याद रहे ब्लैक कलर कार्ड इज इक्वल टू 3 ब्लैक + 3 स्पेड, 3 काड़ी + 3 फल, 3 ब्लैक + 3 स्पेड इज इक्वल टू 6। और आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/52। क्या बनेगा भाई? 6/52, 2 से कट कर सकते हो, ऊपर 2, 3 + 6, नीचे 2 से 26, कर सकते हैं ऐसे कट। चलो चलो 24 नंबर लिखो। फ्रॉम द नंबर 1 to 40, 1 to 40, 40, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, then the probability of selected number is a prime is blank। कब है? 1 to 40 आपके पास नंबर है, वो नंबर में से एक नंबर कौन से नंबर है भाई? 1 to 40। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए? 40। इसमें से एक नंबर आपने सिलेक्ट किया, भाई कार्ड है 1 to 40 लिखे हुए, बॉक्स में से एक नंबर सिलेक्ट किया, और वो प्राइम नंबर अविभाज्य। पहले तो प्राइम नंबर कौन से? 2, 3, 1 to 40 के प्राइम नंबर लिख डालो, 2, 3, 5, 7, 11, 30। मैंने आपको 1 to 100 के प्राइम नंबर सिखाए थे, वो आते तो ये पट करके आ जाता, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये प्राइम नंबर बनेंगे। काउंट कर लो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी भाई? 12 upon क्या बनेगा भाई? 40। क्या बनेगा भाई? 12 upon 40 कट कर दो, क्या बना भाई? 12 upon 40, 4 से कट होगा, देखो 4, 3 = 12, 4, 10 = 40, ये आपका क्या बना भाई? आंसर बना। तो स्टूडेंट 1 to 24 नंबर के क्वेश्चन देखे आज इतना रखते, कल आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसके अलग अलग टाइप के MCQ है, सारे हमें सॉल्व करने। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।